नमस्कार दर्शकों, एक इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ आपके समक्ष हाजिर है। श्रीनगर से शारजा के लिए अब डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट एक बार फिर शुरू की गई। साथ ही साथ दर्शकों, इसके अलावा कार्गो सर्विसेज की बात करें तो इसे भी रिज्यूम कर दिया गया। और अब चले आइए, एक खबर जो है वो थोड़ा विस्तार से सुन लेते हैं। इस समय आप देख रहे हैं सच न्यूज नेटवर्क। इस खबर को पूरा सुनने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, साथ साथ आगे भी शेयर करें। और अब जानकारी दे दें कि श्रीनगर से शारजा के लिए डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट के साथ साथ इंटरनेशनल कार्गो सर्विसेज जो है वो फिर से शुरू करने की बड़ी घोषणा की गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपको बता दें कि गो फर्स्ट, जिसे पहले गो एयर के नाम से जाना जाता था, एयर बबल समझौते के तहत पिछले साल श्रीनगर से शारजा के लिए डायरेक्ट सर्विस जो है वो शुरू करने वाली ये पहली एयरलाइन थी। और वहीं आपको ये भी बता दें कि एयरलाइंस के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा कि ये फ्लाइट शुरू होने से गल्फ कंट्रीज के बीच एविएशन यानी कि विमान संचालन को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। जी हाँ, श्रीनगर से शारजा के लिए फ्लाइट जो है वो स्टार्ट की गई है। यहां पर हम शारजा जो कि यूएई में स्थित है, और आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि गो फर्स्ट फ्लाइट G81595, जिस तरह से कोविड महामारी के कारण एक इंटरवल के बाद श्रीनगर के शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शाम 7:45 जो है वो रवाना हुई, और जो रात 10:30 शारजा यानी कि यूएई में जो एयरपोर्ट है वहां पर पहुंचेगी। साथ ही साथ स्पोक्स पर्सन ने यह भी बताया कि वापसी में गो फर्स्ट फ्लाइट G84095 शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 12:05 पर चलेगी और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 5:10 पर पहुंचेगी। तो ये थी एक बड़ी अपडेट आपके सामने, लेकिन कहीं जाएगा नहीं क्योंकि हम आपको और भी डिटेल्स इस खबर से जुड़ी हुई बताने जा रहे हैं। ये जो डायरेक्ट फ्लाइट है श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शारजा एयरपोर्ट तक, वो एक बार फिर से रिज्यूम कर दी गई है। कोविड के चलते कुछ इंटरवल तक ये जो फ्लाइट है वो बंद कर दी गई थी। गो फर्स्ट फ्लाइट की यहां पर हम बात कर रहे हैं, जो कि श्रीनगर एयरपोर्ट से रवाना होती है और शारजा एयरपोर्ट तक वो लैंड करती है। और अब चलिए आइए जान लेते हैं कि क्या कुछ इंफॉर्मेशन इस समय सामने निकल कर आ रही है इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई। इन्हीं सब के बीच जानकारी दे दें कि एयरलाइन श्रीनगर और शारजा के बीच हफ्ते में 2 फ्लाइट्स मंगलवार और बुधवार को संचालित करेगी। जी हाँ, 2 डेज ये जो फ्लाइट है वो संचालित होगी, ट्यूसडेज एंड वेंसडेज। और इस फ्लाइट की बात करते चले तो उड़ान की बहाली से जम्मू कश्मीर और यूएई के बीच व्यापार और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसको तो बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन आपको बता दें कि यूएई और श्रीनगर दोनों के लोगों के बीच छुट्टियां मनाने की पसंदीदा जगह है। टूरिज्म को खासतौर पर बहुत बढ़ावा मिलने वाला है। साथ ही साथ बता दें कि गो फर्स्ट पहली एयरलाइन है जिसने सबसे पहले श्रीनगर से शारजा तक माल की आवाजाही के लिए दुबई के लुलू समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। जी हाँ दर्शकों, ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं। इस कंपनी के प्रवक्ता ने ये कहा कि श्रीनगर बाजार में अतिरिक्त ध्यान देने के साथ साथ गो फर्स्ट श्रीनगर को इंटरनेशनल एयर ट्रैवल और कार्गो के लिए एक मनी हब जो है वो बनाएगा। और जहां तक बात है टूरिज्म एंड बिजनेस एक्सपेंशन की, तो हमने आपको बताया कि टूरिज्म और व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ, बता दें कि एयरलाइंस के सीईओ कौशिक खन्ना ने ये कहा कि एयरलाइन इंटरनेशनल ट्रैवल के साथ साथ कार्गो फ्लाइट्स का विशेष एक्सपीरियंस रखती है, विशेष अनुभव रखती है, और हमें श्रीनगर और शारजा के बीच सर्विसेज को फिर से शुरू करने की खुशी है। एक बार फिर डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो शुरू कर दी गई है श्रीनगर से शारजा के लिए, जो जम्मू कश्मीर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सकती है। और ये संपर्क दोनों देशों के बीच बायलेटरल ट्रेड एंड टूरिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाएगा। और साथ ही दर्शकों, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर ही रहे हैं तो एयरपोर्ट पर अपॉइंटेड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर है
कुलदीप सिंह, उन्होंने ये बताया कि शारजा के लिए, शारजा जो कि यूएई में स्थित है, शारजा के लिए गो फर्स्ट एयरलाइंस की फ्लाइट 108 पैसेंजर्स लेकर रवाना हुई। और उन्होंने ये भी इंफॉर्मेशन दी कि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल कार्गो ऑपरेशन के उद्घाटन के बाद ये पहली इंटरनेशनल फ्लाइट है। जी हाँ दर्शकों, बता दें कि फ्लाइट गो फर्स्ट फ्लाइट जो है वो शारजा तक मैक्सिमम 3 टन माल ले जा सकती है और हमारे इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए अब दरवाजे जो है वो खुल गए हैं। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम आपको दे रहे हैं। जहां तक बात है एक्सपोर्ट की, तो अब जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा इस डायरेक्ट फ्लाइट से, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्ट फ्लाइट तो शुरू कर दी गई है लेकिन कार्गो सर्विसेज भी जो है वो एक बार फिर रिज्यूम कर दी गई। ये थी बड़ी अपडेट आपके सामने, ऐसी अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल दर्शकों बस इतना ही, दीजिए इजाजत, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। जय हिंद।